नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज राजस्थान। जालौर जिले के सायला क्षेत्र के सुराना गांव स्थित सरस्वती विद्यालय की तीसरी कक्षा में पढ़ रहे छात्र इंद्र कुमार मेघवंशी को मटके से पानी पीने की बात को लेकर इस वंशीपन से पीटा की। अंत तो गुत्वा मासूम 13 अगस्त 2022 को इलाज के दौरान इस दुनिया से चल बसा। मासूम इंद्र को अंदरूनी एवं बाहरी इतनी चोट थी कि मासूम उनसे उबर नहीं पाया और आखिरकार हिंदू धर्म की इस ऊंच नीच के जातीय व्यवस्था की भेंट चढ़ गया। इस घटना को लेकर भीलवाड़ा जिले के विभिन्न दलित संगठनों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम जिला कलेक्टर आशीष मोदी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में हत्या के दोषी व्यक्ति को फांसी की सजा के साथ साथ पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी एवं 50 लाख रुपये मुआवजा तथा सरस्वती विद्यालय की मान्यता को रद्द करने की मांग की गई। अगर 20 अगस्त तक मांगे नहीं मानी गईं तो विभिन्न दलित संगठनों द्वारा भीलवाड़ा बंद किया जाएगा और आंदोलन को और तेज़ किया जाएगा। रैली रेलवे स्टेशन के अंबेडकर सर्किल से रवाना होकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची। मूसलाधार बरसात होने के बावजूद रैली में दलित युवाओं का आक्रोश कम नहीं हो रहा था। रैली को जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी सीताराम खटीक, पंकज डेडवानिया, गौरीशंकर दायमा, कैलाश देवतावाल, हीरालाल बोहरा, नगर परिषद पार्षद रहमानी आदि पदाधिकारियों ने संबोधित किया।